पेरेंट्स के साथ घूमना शानदार होता है। जूलिया से ज्यादा किसी को नहीं पता। उस कुछ ज्यादा ही। जूलिया के पेरेंट्स इस लड़की से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। वो कौन है? ही, मेरे लिए रुको। उप्स। तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो। जूलिया असली जासूस है। क्या जूलिया के पेरेंट्स उसके लिए प्रेजेंट्स लेंगे? रुको, और मेरा क्या? ही, वो कहाँ जा रही है? यहाँ क्या चल रहा है? अब जूलिया को क्या होगा? ये बहुत बेकार दिन है। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? मॉम, डैड, जल्दी आओ। क्या हुआ हनी? हमारे घर में कोई अजनबी घुस आया है। अरे सब ठीक है बेबी, ये तुम्हारी नई बहन है, एबी से मिलो। ये घर बहुत अच्छा और आरामदायक है। एबी ने सेलिब्रेट करने के लिए सारी फैमिली के लिए खाना बनाने का फैसला किया है। मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी, ये स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू अच्छी है। मैं सबके साथ फैमिली डिनर करने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं थोड़ा थक गई हूँ। वो ये जरूर कोई सपना है। ऐसा लग रहा है कोई थोड़ा आराम करना चाहता है। जूलिया आ गई और वो पक्का कुछ करेगी। वो अपनी नई बहन की रेपुटेशन खराब करना चाहती है। ये गहरी नींद में सो रही है। चलो अपना काम करते हैं, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बोरिंग केक को थोड़ा सजाते हैं। अब ये मास्टरपीस बन गया है। और थोड़ा सा शुगर कैसा रहेगा? मुझे लगता है इसे और शुगर चाहिए। यहाँ इस बुरी लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है। क्या किसी ने मैश पैनकेक मंगवाए हैं? इतना बुरा भी नहीं है। फाइनल टच की बारी, बहन के लिए मीट पैचेस। मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है। ये अजीब सी स्मेल कैसी है? एबी, ये तुमने क्या किया? मैंने आपके लिए डिनर बनाया है। अरे वाह, कितना क्रिएटिव है। मैं इसे ठीक कर देती हूँ। चलो करते हैं। ये शुगर कहाँ से आ गई? हे दोस्तों, जूलिया के चेहरे पर क्या लगा हुआ है? उफ, कोई सबूत मिटाना भूल गया है। आओ यहाँ पर जल्दी बैठो। यंग लेडी, उसके बारे में परेशान मत हो एबी, वो ऐसी ही खेलती है। जूलिया को अपने डॉग को घुमाना पसंद है। चलो बार्नी, कूदो। हाँ, गुड बॉय। हे बहन, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? प्लीज खेलना। ठीक है, इसकी लीश पकड़ो। कितना प्यारा डॉगी है। और ये रहा बार्नी का पसंदीदा खिलौना। अब आएगा मजा। अरे नहीं, रुको, मेरी मदद करो। बार्नी पकड़ो, कोई इस डॉग को रोको। गुड बॉय कौन है? बार्नी है गुड बॉय। अरे कोई आया है, मैं देखती हूँ। ये जूलिया का बॉयफ्रेंड है। क्या तुम ये गिफ्ट जूलिया को दे सकती हो? ये आवाज कैसी है? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जरूर, मैं उसे दे दूंगी। शुक्रिया एबी। जूलिया तुम कहाँ हो? पहले तुमने मेरी फैमिली छीनी, अब तुम मेरा बॉयफ्रेंड छीन रही हो। इसके अंदर क्या है? वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है। मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट एबी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जूलिया मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हाँ जूलिया के लिए। ये नोट नीचे गिर गया होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। रुको, ये मेरे लिए है। पर मुझे लगा। अरे नहीं। हाय हनी, मैं आ गई। मेरे गिफ्ट को क्या हो गया? अरे हमारे घर में मॉथ्स हैं। खैर खैर खैर, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना है। जूलिया उठ गई। यहाँ आओ बार्नी, वो बेड तुम्हारा हुआ, चलो जाओ। गुड बॉय, लगता है एबी को रिप्लेस कर दिया गया है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? मुझे इससे डर लगता है। मैं जीत गई। गुड नाइट बहन, हमने बढ़िया टीम बनाई है। हनी, हमें ये सारा सामान गाड़ी में रखना है। हाँ? गुड मॉर्निंग मॉमी, तुम गाड़ी की डिक्की में क्यों सो रही हो? ये जूलिया की वजह से हुआ होगा। फैमिली
फैमिली के साथ शॉपिंग करना बड़ा मजेदार होता है। ये लो अनी, ये तुम्हारे लिए है। रुको, तुम एबी को भूल गई? वो दोनों दोस्त बन गए। हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेंगे। ओवरसाइज कैसा रहेगा? मेरा विश्वास करो, मेन फैशन में दोबारा आ गया। ये स्वेटर तुम पर बढ़िया लग रहा है। हाँ देखो ये कितना बड़ा लग रहा है। वाह, ये शानदार लग रहा है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। परफेक्ट, हम ऐसा ही चाहते थे। तुम सच बोल रही हो? मैं बेकार लग रही हूँ। अरे मेरे पास आइडिया है, बच्चों का डिपार्टमेंट। लो हम आ गए। एबी, मैंने बेबी सेक्शन में तुम्हारा साइज ढूंढ लिया है। ये बहुत क्यूट है, पर मुझे ये चाहिए। सच में? बिल्कुल नहीं, वो हमारे बजट से बाहर है। बस एक चीज लो, मैं ये लूंगी और ये भी। अरे मुझे ये रंग पसंद है। हम आ गए। ऐसा लग रहा है सारा पैसा जूलिया ने ही अपने पर खर्च किया है। ओह, प्ले एरिया, पार्टी टाइम। जाओ मजे करो लड़कियों, तुम तैयार हो? ये मजेदार होगा। तैयार, चलो चले। वुहू, शानदार। चलो कुछ और खेलते हैं। जूलियो को ट्रैम्पोलिन पसंद है, कोई भी उसकी तरह कूद नहीं सकता। पर एबी इतना खराब नहीं कर रही है। मैं थक गई हूँ, मैं अब क्या करूँ? मेरे पास आइडिया है। पहले मैं आसपास देख लूँ। बॉल पिट, बढ़िया। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है बहन, मुझे सरप्राइज पसंद है। उम्मीद है तुम तैर पाओगी। कौन ज्यादा मजेदार है? जूलिया, तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता, हमने एबी को खो दिया है। हनी, वो कहाँ है? उम्मीद करती हूँ वो ठीक होगी, हमें पेट में ढूंढना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और डैड उसे कंट्रोल कर रहे हैं। वो यहाँ नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे कुछ मिला है। ये मॉम है, वो यहाँ से दिख जाएगी। वो वहाँ है, चलो चलते हैं। बेचारी एबी ने खुद को बचा लिया है। ओ बीबी, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। प्लान फेल हुआ, पर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। पर जूलिया इस बार नहीं बचेगी। इनके पेरेंट्स इनका बहुत ध्यान रखते हैं। अपनी आइसक्रीम खाओ, हम अभी वापस आते हैं। अरे जूलियो को फ्रूटी फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं है। हम आइसक्रीम बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे क्रीम ब्रूले पसंद है। ओप्स, ह्यूस्टन, ये क्या हो गया है? क्या एबी को उसके एलर्जी के बारे में पता है? अरे नहीं, हमारे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आएगा, वो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। मैं हमेशा अपने बैग में स्टिकर्स रखती हूँ। अब हम तुम्हारा लुक अपडेट करेंगे। ये परफेक्ट लग रहा है, मैं भी अपनी लुक अपडेट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, पेरेंट्स आ गए हैं। हमारी लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं। एबी को सफाई करना पसंद है, बस इतना ही। बस उसे अब फ्लोर साफ करना है, पर जूलिया के पास कुछ और प्लान्स हैं। सफाई? वो क्या होती है? कितनी बुरी बात है, वो अपने बहन की मदद नहीं करना चाहती है। ओह, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। एबी, हनी, तुम बहुत थक गई होगी, तुम थोड़ा सा सो क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। शानदार, और ये सब सामान यहाँ रख देते हैं। अरे जूलिया, तुम कितनी समझदार लड़की हो, और एबी बच्चों की तरह सो रही है। वो बहुत प्यारी है। क्या ये ठीक नहीं है? यहाँ आओ एबी, फैमिली अब बड़ी हो गई है। इसका मतलब हमें अब फोटो एल्बम अपडेट करनी पड़ेगी। ये बढ़िया है, अब चीज कहो। अरे ये सब क्या हो रहा है? फोटो तैयार होने वाली है, यहाँ मेल आया है, चलो देखते हैं। खैर खैर खैर, इसके अंदर क्या है? फैमिली फोटोज, ये बढ़िया है, पर गोद ली हुई बहन ने सारी पिक्चर्स खराब कर दी है। ये नहीं चलेगा, इसे बस थोड़ा ठीक करने की जरूरत है।
किसी को फर्क पता नहीं चलेगा। बढ़िया, जैसे कि पहले हुआ करता था। बस मैं, मॉम और डैड, मैं सब कुछ पहले की तरह करके चली जाती हूँ। लगता है मॉम मेल देखने वाली है। ओह, हमारी फोटोज आखिरकार आ गई। मुझे इन्हें देखना है। हाँ, क्या ये मजाक है? मुझे पता है ये किसने किया है। जूलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। इसे ठीक करो। पर मॉम, मैं नहीं, कुछ मत बोलो, इसे अभी ठीक करो। ध्यान से। हेलो सबको, जूलिया सुनो तो। एबी, मुझे परेशान मत करो। ओ, ये लड़के बदमाश लग रहे हैं। अरे नहीं, ये हमारा फोन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। पर एबी इतनी शांत क्यों है? क्या तुम पागल हो गई हो? यहाँ से हट जाओ बहन। मैंने देखती हूँ, शायद इन दोनों को पता नहीं है कि ये किससे उलझ रहे हैं। एबी के पास सेल्फ डिफेंस में ब्लैक बेल्ट है। तुम मुझे यहाँ दोबारा मत दिख जाना। ठीक है, अब हम जा सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ही बढ़िया। अरे वो तो कुछ नहीं था। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। शूट, मैंने मॉम का वास तोड़ दिया। वो गुस्सा हो जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो पेरेंट्स आ रहे हैं। ये आवाज कैसी है? अरे नहीं, वो हमें विरासत में मिला था। तुम दोनों में से ये किसने किया है? हमें सबको संभालना पड़ेगा। मुझे माफ करो, ये मैंने किया है। तुम्हें सजा मिलती है जूलिया। एक हफ्ते के लिए तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। शुक्रिया बहन, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये हमारी दोस्ती और प्यार की निशानी है। हमेशा के लिए बहने। लगता है एबी को अपनी असली फैमिली मिल गई है। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? जूलिया और एबी को अचानक से दोस्त बनते देखकर आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ट्रूम ट्रूम की कोई भी नई मजेदार वीडियो मिस ना करें।